तो यार वेलकम टू 125th एपिसोड ऑफ नडी न्यूज। और इस वीक सुपर हीरोज के वर्ल्ड में बहुत कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने कुछ अपडेट्स ढूंढ ढूंढ के निकाल ही लिए हैं, जैसे कि इस वीक का डीसी फैंडम, वॉकिन फिनिक्स के जोकर का रिटर्न या फिर थॉर का एमसीयू में फ्यूचर। तो ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट आउट टू आवर महा सुपर हीरो मेंबर्स अर्णव बंसल, अशोक प्रॉपर्टी, जयदीप सिंह राठौड़, दाऊद रहमान और हार्दिक रतन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग आवर चैनल यार, इससे हम लोगों को चैनल कंटिन्यू करने में बहुत सपोर्ट मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट से। तो लास्ट वीक मैंने बैटमैन के एक कैंसल्ड गेम से किंग शार्क का एक कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया था, तो इस वीक उसी कैंसल्ड गेम से बिजारो का ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया है। बिजारो सुपरमैन का ही एक एविल वर्जन है। इसके बाद कैप्टन मार्वल से मिनर्वा के कैरेक्टर का ये कॉन्सेप्ट आर्ट रिवील किया गया, जो कि मूवी में यूज नहीं हुआ था। एंड लास्ट वीक जो मैंने बैटमैन का कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाया था उसके कैंसल्ड मूवी से उसका 3D मॉडल भी रिवील हुआ है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब अगर इस वीक के डीसी फैंडम पे आए तो यार सबसे पहले तो डूम पेट्रोल को सीजन 3 के लिए रिन्यू कर दिया गया है और सीजन 3 HBO मैक्स पे रिलीज किया जाएगा और हमारे लिए टेलीग्राम पे। देन इस वीक बैटमैन का एक न्यू पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही कुछ प्रमोशनल आर्ट भी। वैसे बैटमैन की शूटिंग फिर से होल्ड पे चली गई है क्योंकि रॉबर्ट पैटिंसन कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। खैर डीसी फैंडम में ही जंकी एक्सेल ने स्नाइडर कट का थीम सॉन्ग भी रिलीज किया है। राइट नाउ आई एम इन द मिडल of finishing an action bit with the new Justice League theme and I want to preview a little bit of that. So obviously यहाँ मैं म्यूजिक तो नहीं सुना सकता, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग चाहो तो जाके सुन लेना। वैसे इस वीक डीसी फैंडम में मोस्टली टीवी और एनिमेटेड शो से ही अपडेट दिए गए थे, लेकिन इवेंट के बीच में ही उनका सर्वर क्रैश हो गया, जिससे कि कई लोग ये इवेंट ज्वाइन ही नहीं कर पाए। एनीवे रिपीटेड टेलीकास्ट ऑलरेडी उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप चाहो तो dcfandom.com पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट छोटा सा अपडेट है वंडर वुमन 84 के रिलीज डेट से। तो इसके रिलीज को फिर से डिले कर दिया गया और अब ये मूवी 25th दिसंबर 2020 को रिलीज होगा। फिर ऐसी रूमर्स हैं कि ब्लैक विडो, जो कि नवंबर 6th को रिलीज होने वाला था, वो भी अब और डिले हो सकता है। देन उसके बाद सोनी ने भी यार अपडेट दे दिया है कि वो अपने कोई भी बड़े बजट की मूवी को तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक सब कुछ नॉर्मल ना हो जाए। यार लग रहा है कि एक एक करके सारे मूवी ऐसे ही डिले होते रहेंगे और ऊपर से अमेज़न प्राइम वाले भी द बॉयज के एपिसोड को एक एक करके रिलीज कर रहे हैं। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर पे, जहां से इसके सेट का एक नया वीडियो आया है, जहां हम कैप्टन अमेरिका से सिमिलर कॉस्ट्यूम में किसी को फाइट करते देख सकते हैं। यहां उसके पास शील्ड भी है। वैसे ये कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका नहीं बल्कि US एजेंट है, एंड ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ये वही शील्ड है जो कि कैप्टन अमेरिका ने फैल्कन को दिया था या कुछ यहां अलग हो रहा है। आप लोग का क्या गेस है कमेंट में जरूर बताना। आगे एक शूटिंग से अपडेट है, जहां रिवील किया गया कि ब्लैक एडम की शूटिंग जनवरी 2021 से स्टार्ट हो सकती है। अभी के लिए इस मूवी के रिलीज डेट को दिसंबर 22, 2021 रखा गया है, जो कि ऑब्वियसली और डिले हो सकता है। वैसे वांडा विजन की शूटिंग भी फिर से स्टार्ट हो गई है, जो कि लॉकडाउन के कारण होल्ड पे थी। लेकिन इस वीक का मेजर अपडेट रहा वॉकिन फिनिक्स के जोकर का रिटर्न। तो रिसेंटली एक नया रूमर आया है कि वार्नर ब्रदर्स वॉकिन फिनिक्स से जोकर के दो सीक्वल को लेकर बात कर रहे हैं, मतलब कि जोकर का सेकंड और थर्ड पार्ट। अब देखो ये बात ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से ये रूमर्स रिवील हुए हैं, तो इसलिए अभी के लिए इसे सिर्फ रूमर ही मान के चलो। लेकिन यार अगर ऐसा होता है तो मजा ही आ जाएगा। अब अगर वापस डीसी फैंडम पे आए तो यहाँ डीसी के एक एनिमेटेड मूवी क्रिप्टो द सुपर डॉग पे काम चल रहा है और इस मूवी से क्रिप्टो का फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया। फिर डीसी फैंडम में ही फ्लैश की अपकमिंग मूवी से मेजर अपडेट दिया प्रोड्यूसर बारबरा मिशेट्टी ने। उन्होंने बताया कि द फ्लैश की अपकमिंग मूवी में बहुत सारे डीसी के कैरेक्टर्स दिखेंगे, कुछ नए और कुछ पुराने, जिन्हों की हमने ऑलरेडी पिछले डीसी के मूवीज में देखा है। और इसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये मूवी सब कुछ फिर से रीस्टार्ट कर देगी, मतलब कि एक तरह से आप रिबूट कह सकते हो। तो हो सकता है टाइमलाइन में चेंज के कारण डीसीओ की पूरी स्टोरी ही अब चेंज हो जाए। आप क्या गेस कर सकते हो कमेंट जरूर करना। वैसे फ्लैश पॉइंट के कॉमिक्स में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जाते आते थॉर लव एंड थंडर से अपडेट है कि मूवी में उसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा जिससे कि मैंडलोरियन की शूटिंग हुई थी, मतलब कि मूवी के मोस्ट ऑफ द पार्ट ग्रीन और ब्लू स्क्रीन की जगह वर्चुअल सेट पे होंगे। एंड बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि क्या क्रिस हेम्सवर्थ थॉर लव एंड थंडर के बाद MCU छोड़ देंगे, जिस पे क्लियर बात करते हुए क्रिस ने खुद बोला है कि ये मूवी उनकी लास्ट MCU मूवी नहीं होगी और वो आगे भी MCU में दिखते रहेंगे। तो थॉर फैंस के लिए ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स, होप्स हो कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ऑब्वियसली अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर करें। आयरन मैन के विलन्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो और डीसी फैंडम्स के सारे अपडेट्स जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।